राजनीति पर सबसे बड़ी चर्चा। देश की दिशा और दशा। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और पता हमें दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है। आइए देखते हैं चाय की चौपाल। गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं का क्या है रिझान, यह जानने के लिए हमारी चाय की चौपाल की टीम पहुंची गोंदिया। देखते हैं चाय की चौपाल की टीम की खबर गोंदिया। नमस्कार, मैं नेहा मिश्रा, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव। हम गोंदिया के लोकसभा चुनाव क्षेत्र के गोंदिया परिसर में है। अभी गोंदिया के हुसैनी चौक रामनगर बाजार के एरिया में है। यहाँ पे लोकसभा के चुनाव को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, ये हम यहाँ पे हमारी पूरी चाय की चौपाल की टीम यहाँ पे मौजूद है आज, और यहाँ के लोगों की हम प्रतिक्रियाएँ जानना चाह रहे हैं कि लोग क्या सोचते हैं अपने उम्मीदवार के बारे में। चलिए वोटिंग करेंगे। उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? पढ़ा लिखा, वेल क्वालिफाइड, अच्छा समझदार होना। आपको क्या लगता है गोंदिया से कौन सा उम्मीदवार आ सकता है? नाना पंचबुद्धे घड़ी। 11 तारीख को इलेक्शन है, वोटिंग करेंगे। कौन से उम्मीदवार उम्मीदवार कैसा होना चाहिए आपकी नज़र में? चौकीदार जैसा होना चाहिए। 11 तारीख को इलेक्शन है, वोटिंग करेंगे। जी हाँ, करेंगे। कैसा होना चाहिए उम्मीदवार? आप साफ सुथरा होना चाहिए उम्मीदवार। आपको क्या लगता है दोनों जो उम्मीदवार हैं हमारे, उनमें से कौन सी सरकार होगी? कांग्रेस ही लाएंगे, और क्या लाएंगे। मैडम अभी तो राष्ट्रवादी की चल रही है यहाँ पर। राष्ट्रवादी चल रही है मैडम। नाना पंचबुद्धे। हाँ करेंगे, क्यों नहीं। उम्मीदवार किस तरह का होना चाहिए? उम्मीदवार हमारे सेठ की तरह का होना चाहिए। गोंदिया का उद्धार तो सिर्फ सेठ ही कर सकता हमारा। तो आप किसकी, यानी यहाँ पे किसकी सरकार? यहाँ पे तो राका मैडम, राका ही आएगा यहाँ पर। धन्यवाद। कांग्रेस गोपाल अग्रवाल, और विधायक में ये बढ़िया गोपाल अग्रवाल, और विधानसभा में सांसद में हमारे प्रफुल्ल भाई पटेल। 11 तारीख को इलेक्शन है, वोटिंग करेंगे। जी बिल्कुल। उम्मीदवार किस तरह का होना चाहिए? उम्मीदवार जनता के काम करे, समाज के काम करे, रोड रस्ते का काम करे, गलियों का काम करे, लाइटों का काम करे। तो किसकी सरकार? सरकार मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी की सपोर्ट नहीं करूँगा। नहीं, तो सपोर्ट करने की बात नहीं कर रही हूँ मैं ये कह रही हूँ कि किस तरह का उम्मीदवार, इन द सेंस आपका जो नेतृत्व कर रहा है बंदा, वो आप चेहरा देखकर करेंगे, विकास देखकर? विकास ही होना चाहिए, विकास देख के ही करेंगे ना। आपको लगता है गोंदिया जिले का विकास हो रहा है? मेरे को तो नहीं लग रहा, दोनों पार्टियाँ नहीं कर रही। किसी तीसरे को चांस देना चाहिए, बिल्कुल। अपने वोटिंग करेंगे? हाँ जरूर करेंगे। तो आपका उम्मीदवार किस तरह का होना चाहिए? जो सबको सपोर्ट करे। तो क्या लगता है आपको कौन सी सरकार? अभी तो मोदी सरकार तो मुझे कुछ लगता नहीं कि कुछ कर पाएंगी करके। क्यों ऐसा लगता है? पहले जो पेट्रोल के रेट थे कम थे, गैस की सब्सिडी भी, तो मोदी सरकार में मुझे लॉस ही हुआ बहुत, पेट्रोल भी बहुत महंगा हो गया, और जो गरीबों को जो सब्सिडी वगैरह मिलती थी वो भी शायद धीरे धीरे बंद हो रही है, और पहले 400 रुपये का आता था सिलेंडर, अभी 1000 रुपये रेट हो गया उसका, तो गरीबों के ऊपर बहुत समस्या। नोटबंदी के कारण बहुत नुकसान हुआ, लोग बहुत मरे, आरबीआई को भी शायद नुकसान हुआ उससे। यहाँ पे किसकी सरकार? यहाँ पे तो मेरे ख्याल से लगता है कि राका को देना चाहिए। धन्यवाद। राका ही आना चाहिए। गोंदिया में किसकी सरकार? गोंदिया में राका की सरकार आएगी। राका की। राका, राका, राका की। थैंक यू सो मच। हमने गोंदिया के लोगों की यहाँ पे रामनगर बाज़ार चौक में लोगों के मन की बात जानने की कोशिश की। यहाँ पे लोगों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के हित में बात करी है। लोगों का कहना यह है मोदी सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है, पेट्रोल के रेट्स बढ़े हुए हैं, उसके बाद सब्सिडी का इशू इन लोगों ने बताया, और विकास अगर गोंदिया का ये लोग चाहते हैं तो सिर्फ वो प्रफुल्ल पटेल कर सकते हैं, और प्रफुल्ल पटेल को देख कर यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो पंचबूदे हैं वो यहाँ पे जीतने के आसार नज़र आ रहे हैं। आगे की खबर के लिए आगे की जगह हमारे साथ जुड़ते रहिए, देखते रहिए एमएनएस न्यूज़ लाइव। धन्यवाद। यह है लोकसभा क्षेत्र के जनता का हाल, उठ किस करवट बैठेगा इसके नतीजे आने पर ही पता चलेगा। तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज़ लाइव। एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।